ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन का आज वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी समेत संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार से मानदेय की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी ने कहा कि राशन डीलर्स के बेहतर कार्य से उत्तर प्रदेश खाद्य वितरण में देश के अन्य राज्यों में अग्रणी है, लेकिन सरकार हमारी माली हालत को दुरुस्त करने के प्रति निष्ठुर बनी हुई है। हमारे प्रदेश के पड़ोसी राज्यों जैसे राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों जैसे कि केंद्र शासित प्रदेशों में भी गुजरात, गोवा, तमिलनाडु को बेहतर कमीशन मिल रहा है, लेकिन यूपी में राशन डीलरों को उनके बेहतर कार्यों के बावजूद भी मामूली सी रकम कमीशन के रूप में दी जाती है। हम लोगों का आज वार्षिक सम्मेलन है हमारे संगठन का। उत्तर प्रदेश के हमारे सिर्फ पदाधिकारी खड़ा आए हैं और इसमें हमने मंत्री को आमंत्रित किया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश पाठक जी को, संजय निषाद जी को और सबको आमंत्रित किया, सबने सहमति दिया है। अभी तक पूर्व जिलाधिकारी दिनेश सिंह जी आए हैं, रिटायर्ड हैं, कमिश्नर रहे हैं और सब भी आ रहे हैं, प्रोटोकॉल की कमेटी आ रहे हैं। और हम लोगों की मांग यह है कि जैसे कोरोना काल जैसे बीमारी में कोई व्यक्ति किसी को छूटा नहीं था, हम लोग अंगूठा पकड़ पकड़ के ई पास मशीन के माध्यम से 100% वितरण किए। उत्तर प्रदेश में किसी को भूखा मरने हम लोगों ने नहीं दिया, लेकिन हम लोग भूखे मर रहे हैं। जहां डबल इंजन की सरकार है, 200 रुपया कुंटल गोवा में दिया जा रहा है, 200 रुपया कुंटल हरियाणा में दिया जा रहा है, 20,000 रुपये मानदेय और 150 रुपया कुंटल गुजरात में दिया जा रहा है, 200 रुपया कुंटल दिल्ली सरकार भी दे रही है और उत्तर प्रदेश सरकार में हमको 90 रुपया कुंटल मिलता है। और हम लोग चाहते हैं कि हम जब पूरे देश में सबसे बढ़िया काम करते हैं, हमारा सबसे बढ़िया वितरण पूरे देश में है, हम नंबर एक पे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार प्रशस्ति पत्र भी पाई हम लोग वितरण की बदौलत और इतना बढ़िया वितरण है पूरे हिंदुस्तान में, हम नंबर एक पोजीशन पे है। हमारा कमीशन सबसे कम है, हम भी कमीशन नंबर एक पे चाहते हैं, मेहनत जब नंबर एक पे करते हैं कमीशन भी नंबर एक।